हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। मरीन ड्राइव फेज वन और फेज टू का काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप अभी मरीन ड्राइव से होते हुए जा भी रहोगे और देख भी रहोगे। तो अब बारी है भाई मरीन ड्राइव फेज तीन की। तो फेज तीन का जो पार्ट है वो बनने वाला है गायघाट से गंगन घाट, और जो भी अपडेट है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। आप सभी मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो अब हम लोग पहले सीधे यहाँ से जाने वाले हैं भद्रघाट। भद्रघाट से एक फ्रेंड को उठाएंगे, देन हम लोग निकलेंगे कंगन घाट की तरफ। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी भद्रघाट में, और भद्रघाट में आप इस तरह से देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम भाई चल रहा है रेगुलर। फेज टू का काम तो कम्प्लीट हो चुका है, और फेज थ्री का जो काम हो रहा है उसका कुछ पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। गायघाट के बाद भद्रघाट, महावीर घाट और नजर घाट तक स्लैब का काम बाकी है। उसके अलावा मिटन घाट, खाचकेला घाट से होते हुए कंगन घाट तक काम लगभग कंप्लीट कर ली गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। गायघाट से कंगन घाट के बीच किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर में इसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं रेलिंग भी बनकर भाई तैयार है। और साथ ही साथ आप आगे देख रहे हैं खाचकेला है, और खाचकेला के बाद से आपको अप्रोच रोड मिलता है जो कि इस तरह से है। तो यह आप देख रहे हैं, ये है अप्रोच रोड कंगन घाट का। तो कंगन घाट में कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं अप्रोच रोड बनकर तैयार हो चुका है भाई, और पिचिंग जो है वो पूरी तरह कंप्लीट कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और बहुत जल्द फेज थ्री का काम भी हम लोग को कंगन घाट तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा, एक अप्रोच रोड आपको ये मिल जाता है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, और उसके बाद ये जो रोड है ये आगे की तरफ चला जाएगा। दीघा या गांधी मैदान से जो लोग सिटी की तरफ आ रहे हैं वो गायघाट के बाद डायरेक्ट कंगन घाट उतर सकेंगे। जो लोग पटना सिटी रेगुलर आना जाना करते हैं उनके लिए यह फेज थ्री काफी हेल्पफुल होने वाली है। फेज वन बनने के बाद थोड़ी सी राहत मिली, और फेज टू बनने के बाद बहुत राहत मिली, अब फेज थ्री की बारी। तो जैसे ही फेज थ्री बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगा भाई, क्योंकि सिटी जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, जिस वजह से जाम जो है वो अक्सर बनी रहती है भाई अशोक राजपथ में और इस सिटी के रोड में। तो गाइज, ये है एक छोटा सा अपडेट फेज थ्री का जो की कंगन घाट तक जुड़ने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।